दोस्तों, यह वह लेटर है जो कि विभिन्न आपके जो निकट भविष्य निधि आपके निकट जो कार्यक्रम था उसमें दिया गया है। यह 27 तारीख को है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 तारीख को इसको सबमिट कराया गया है। ये नोएडा में है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर है यूपी में। तो ऐसे ही लेटर्स जो है करीब करीब आपको बताते हैं कि हर एक आप कह सकते हो निधि आपके निकट कार्यक्रम के हर एक बूथ पे जाकर दिया गया है। और इस तरह के लेटर वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ रिसीविंग है, यानी इसको मंत्रालय या फिर आप कह सकते हो कि जो संबंधित विभाग है वहाँ तक पहुँचाने का भी कार्यक्रम जो है किया जाएगा निधि आपके निकट के माध्यम से, और ऑनरेबल सीबीटी मेंबर्स के जरिए यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी को। तो ये एक बड़े पैमाने पर उनके पास लेटर पहुँचने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेटर है तो अब सीबीटी के जो मेंबर्स रहेंगे वो, या फिर आप कह सकते हो कि जो ईपीएफओ जैसे संस्था हैं वो लोग इस लेटर को फॉरवर्ड करेंगे आगे मंत्रालय में, क्योंकि चूँकि ये रिप्रेजेंट किया गया है ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी को, तो उनके पास लेटर अथाह आने वाला है EPS 95 पेंशनर्स की मिनिमम लाइफ सेविंग की मांग के। इसमें आपको पता ही था कि स्पेशल जो है CVT की अपील की गई थी। ये कुछ तस्वीरें भी मैं आपको साथ साझा कर रहा हूँ। यह जो है तमाम मीटिंग्स जो है EPS 95 पेंशनर्स की संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि मिनिमम पेंशन की वृद्धि के साथ साथ जो है उन्हें मेडिकल सुविधाएँ, पति पत्नी को मेडिकल सुविधाएँ देने की बात कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बुज़ुर्ग जो EPS 95 पेंशन, उनका सम्मान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है। तो यह जो है राजस्थान में यह कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है, और मुख्य मांगे जो है वो मिनिमम पेंशन 7500 प्लस डी मेडिकल की फैसिलिटीज़ की बात की गई है। तकरीबन इतने ही पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रयास जो है EPS 95 पेंशन का, वो अपने चरम पे है। किसी भी माध्यम से हो, कोई भी तरीका हो, जो है अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने दोस्त को जाते अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।